नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इस सब के बारे में पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी को 440 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसे साउथ सेंट्रल रेलवे से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी 16 किलोमीटर के ट्रैक डबलिंग का काम करेगी। ये ऑर्डर ये कंपनी 30 महीने में पूरा करेगी। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 6 रूपये बढ़ गए थे और इसका शेयर 265 रूपये तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 104 रूपये का था, अब 265 का है। एक साल 264 का है, एक साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2003 में बनी थी और ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू सारे ऑर्डर्स को पूरा करती है। ये कंपनी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को करने का काम करती है। ये कंपनी डबलिंग, गेज कन्वर्जन, न्यू लाइन्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स को बनाने का काम करती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 20.3% CAGR की गुड प्रॉफिट ग्रोथ दी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी की टोटल अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम 1241 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 15% अपनी होल्डिंग कम की है। तो ये इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 54,617 करोड़, पी रेशो 37.5, आरओई 20.8% और डेब्ट टू इक्विटी 0.76 है। इसके एमडी सीईओ श्री प्रदीप गौड़ हैं और ये कंपनी 2003 में बनी थी। आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें एफआईएस ने भी अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 2.59% था और फिर अब कम होकर मार्च 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 2.32% रह गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 72.84%, रिटेल का 18.66%, डीआईएस का 6.09%, एफआईएस का 2.32% और म्यूचुअल फंड्स का 0.09% स्टेक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी कैसी है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है, आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए। यह आपके पैसे एक साल में डबल या उससे ज्यादा भी कर सकती है। और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और 2023 में इसका शेयर काफी तेजी से आगे बढ़ा है। तो इससे जुड़ी ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।